नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गीक और पीसीएस में। और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। ठीक है, ये जरूरी जानना जरूरी है क्योंकि हमें आगे जाके क्लाउड्स के बारे में पढ़ना है। और क्लाउड्स के बारे में पढ़ने के लिए आगे फिर रेनफॉल देखेंगे, क्लाउड देखेंगे, उन सब का स्टार्टिंग होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। मतलब एक छोटा अमाउंट ऑफ गैस किस तरीके से आपका धरती के ऊपर मूव करता है और फाइनली जाके क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, ये होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या। और इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। तो ये हमारी जो पूरी कहानी का मेन सबसे पहला कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आपका ह्यूमिडिटी है। क्या होता है ह्यूमिडिटी? एटमॉस्फेयर में कितना आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, यही होता है ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग डैम्पनेस भी कहते हैं। ठीक है, डैम्पनेस भी कह देते हैं। कितना वाटर वेपर होता है अप्रोक्सीमेटली? तो करीबन आपका एटमॉस्फेयर में आपका 4% वॉल्यूम के आसपास आपका वाटर वेपर होता है। इसको हम लोग डैम्पनेस ऑफ एयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये है कौन है, ये कहां से आए हैं। ठीक है, ये जो वाटर वेपर है इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स इसका है एवापोरेशन। एवापोरेशन होता है जिसके वजह से आपका वाटर वेपर कोई भी, जैसे लैंड में आपका कोई भी बॉडी होगा, जहां पे तालाब हो गया, सी हो गया, वहां से आपका एवापोरेशन हो रहा है, वहां आपका कंटिन्यूस एवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, आपका धूप भी चमक रही है, सनलाइट है, तो ये एवापोरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा एवापोट्रांसपायरेशन, यानी कि जमीन के अंदर आपके जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, आपके जो पेड़ पौधे हैं जमीन के अंदर, ये आपका ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन मतलब ये आपका वाटर वेपर छोड़ते हैं, ये भी एवापोरेट होके आता है। तो ये सब आपका एवापोरेशन होता है और इस एवापोरेशन के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जमा हो जाता है। और कितना जमा हो जाता है? करीबन 4% वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन क्या ये कांस्टेंट होता है? नहीं, ये वेरी करता है। तो आप बोलोगे वेरी कौन कौन से आधार पे करता है? तो डिपेंड करता है कि भाई कितना वेजिटेशन है। जितना ज्यादा वेजिटेशन होगा उतना ज्यादा एवापो ट्रांसपायरेशन होगा, उतना ज्यादा आपका वाटर वेपर होगा। तो घने जंगलों में हम देखेंगे कि ज्यादा होगा क्या हमारा एवापोरेशन और ज्यादा होगा डैम्पनेस और ह्यूमिडिटी। ठीक है, जंगल में चले आइए आप तो आपको देखेंगे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है। इसके अलावा आपका लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आप समंदर के किनारे हैं, आप समंदर के किनारे हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ समंदर है, इस सी के आसपास अगर आप घूम रहे हैं तो आपको ज्यादा महसूस होगा क्या? ज्यादा महसूस होगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका लैटिट्यूड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड ये भी डिपेंड करता है आपका कि इंक्लिनेशन कौन से एंगल पे हो रहा है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसके सामने सूरज है, डायरेक्टली गिरेगा इक्वेटर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ये सब बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन स्लांट कहाँ पे गिरेगा? जो ट्रॉपिकल रीजन नहीं होंगे तो वहां पे आपका, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है तो एवापोरेशन आपका कम होगा। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं हम देखते हैं ह्यूमिडिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इन्हीं लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा विंड, कितने तेजी से हवा बह रही है, आपका लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सारी चीजें इफेक्ट करता है कि आपका एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज हम लोग समझते हैं कि देखिए हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो कितने प्रकार का हो सकता है, टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हमारा एक बड़ा सा रूम है, रूम के अंदर एक छोटा सा हमने डब्बा बाहर निकाल लिया और ये डब्बा को हम लोग ऐसे 3D डब्बा निकाल लिया, ये डब्बा बाहर निकाल के अब यहाँ पे देख रहे हैं। ये डब्बे का जो वॉल्यूम है ये 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर वॉल्यूम क्यूब का एक छोटा सा हमने वॉल्यूम का पार्सल बाहर निकाला और फिर देखा इसमें टोटल हमारा वाटर का मास कितना है, ग्राम में कितना है। मतलब इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में हम लोग वाटर अगर मेजर करें, तराजू से अगर हम तोलने की कोशिश करें, आप यहाँ पे वाटर रख दें इसका, तो इसका टोटल आपका वेट कितना आएगा? तो वेट हमने मेजर कर दिया ग्राम्स में, तो जो वेट आया उसको हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो हमें क्या मिला? ग्राम पर मीटर क्यूब जो वैल्यू मिली वो उसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब इतने ग्राम इन 1 मीटर क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना आपका वेट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं एयर की। एयर में दो चीज होंगी यहाँ, एक तो कुछ तो वाटर वेपर होगा, ठीक है, और कुछ होगा आपका ड्राई एयर। ठीक है, तो आपका एयर होगा और आपका वाटर वेपर होगा। तो कितना वाटर वेपर ग्राम में मेजर कर लेंगे और कितना आपका एयर है ड्राई एयर, ये आपका केजी में मेजर कर लेंगे। तो ये आपका ग्राम पर केजी जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट पर केजी। अब वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हम लोग, देखते हैं पूरे 1 केजी पूरा हमने एयर निकाल लिया इस पूरे डब्बे में। एक ये जो डब्बा है, अब क्या हुआ, ये वेट वाइज देखा हमने कि हमने क्या करा, इस टोटल डब्बे में हमने देखा टोटल एयर कितना है,
लेट अस से इसी की बात करें, 1 मीटर क्यूब के डब्बे की बात ही करते हैं। इसी इस डब्बे के अंदर हमने देखा एयर का वेट कर लिया हमने, तराजू में वेट किया एयर का, तो भाई यहाँ लिख दिया एम ए। फिर हमने वाटर कितना है वो वेट किया, हमने लिख दिया एम डब्ल्यू। ठीक है, लेट अस से आपका 40 ग्राम आपका आता है 1 केजी एयर में, तो 40 ग्राम पर केजी हो गया, 40 ग्राम पर केजी ड्राई एयर भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे आपकी इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात आती है यहाँ पे, समझे, यहाँ टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, ऊपर वाले में नहीं है भाई, कोई भी टेम्परेचर हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो भाई, वही बात है ना आपका, जितना ग्राम और उतना मीटर क्यूब मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है। तो वाटर, जब तक कोई नया वाटर ऐड नहीं होता कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। सिमिलरली यहाँ भी जब तक कोई नया वाटर ऐड नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आपका क्वांटिटी प्ले नहीं करता, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर ही सब कुछ है, टेम्परेचर के ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर करती है। होती क्या है समझते हैं, आपका जो एयर में यही आपका सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। आप कहेंगे ये तो सर मेजर कर चुके हम लोग, वेट तो हम तब से मेजर कर रहे हैं वाटर का, तो ये आपका ग्राम में ले लिया हमने। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, इसके बाद लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना जा सकता है, मतलब इस मीटर क्यूब में कितना है डिवाइडेड बाई कितना मैक्सिमम इसमें हम लोग टूज के वाटर डाल सकते हैं। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव जैसे 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि इसमें अगर 100 ग्राम जा सकता है तो हम लोग 30 ग्राम डाल चुके हैं। ठीक है, चाहे तो 70 ग्राम और डाल सकते हैं। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, और ये टेम्परेचर का रिलेशनशिप इसका बड़ा तगड़ा है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किस प्रकार से चेंज आएगा यही देखेंगे हम लोग अगले स्लाइड में। अब हम लोग वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर समझते हैं। देखिए, एक चीज हमको समझना है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर प्रेजेंट है अपॉन कितना मैक्सिमम टूसा जा सकता है। लेट अस एग्जांपल से समझते हैं ये। ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, ज्यादा इसमें साइंटिफिक में नहीं चले जाना आप लोग, है ना, बहुत ज्यादा साइंस मत लगाने लग जाना इसको याद करने के लिए, या तो याद कर लो, इसे याद इजीली हो जाए तो ये वाला डायग्राम देख लो। ठीक है, अब देखो 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस में हमने उसको ठूस में जितना भी वाटर भर सकता था हमने उसको पूरा भर दिया। ठीक है, इससे ज्यादा वाटर भरा नहीं जा सकता था, तो हमने कहा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 100% है। ठीक है, और ये एयर हमारा सैचुरेटेड एयर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा गर्मी प्रदान की, तो ये जो पूरा एयर है ना इसके आसपास का थोड़ा फैल गया, थोड़ी जगह बन गई, तो अब और वाटर इसमें ऐड किया जा सकता है ना, तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेटेस्ट से हो गया 50%। 50% मतलब ये है कि जितनी टोटल कैपेसिटी थी, जितने आपका वाटर है, इतना और वाटर ऐड कर सकते हो अब। क्यों? क्योंकि एयर थोड़ा सा फैल गया ना, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब थोड़ा सा और आप वाटर इसमें ऐड कर सकते हो, अच्छी बात है। तो ये 20 डिग्री में ऐसा हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कम हो गई। उसके बाद टेम्परेचर हमने और बढ़ा दिया, टेम्परेचर और बढ़ाने पर हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इसकी और कम हो गई, अब ये थोड़ा सा और फैल गया, मतलब इसने कहा कि मैं और फैल गया हूं, अब जितना वाटर मेरे पास है उसका 3 गुना और ऐड कर सकते हो आप इसमें, तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 30% हो गई। ठीक है, अब हम लोग उल्टा केस देखते हैं, लेट अस से 30 डिग्री पे इतना ह्यूमिडिटी था, धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर कम करते जाएंगे, धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग कम करते जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी और फिर ये वाला पोजीशन हमारा वापस मिल जाएगा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, अब ये 10 डिग्री जो सेल्सियस है, जिस टेम्परेचर पे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है 100%, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसी को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोल देते हैं। क्या होगा अगर ये जो टेम्परेचर है आप 10 डिग्री से भी नीचे ले जाते हो, इफ द टेम्परेचर इज बिलो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, बारिश हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि अब एयर जो है कहेगा कि इससे और कम हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है ये पानी के रूप में गिरा देगा, ये आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। तो कंडेंसेशन समझ में आया, जब भी आपका टेम्परेचर आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे चला जाता है तब आपका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि हवा और एयर अपने अंदर रख नहीं पाता है, और कोई भी सरफेस होता है या कहीं कुछ भी होता है वो अपना हवा जो एयर है, एयर आपका वाटर अपने अंदर से आपका H2O जो है नीचे गिरा देता है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा किस तरीके से वेरिएशन होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में विद टेम्परेचर, और किस और इसी की मदद से हमने समझा क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है कंडेंसेशन। तो ये नए नए कैरेक्टर्स हमारे स्टोरी में ऐड हो रहे हैं, कंडेंसेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब हमें टर्म पता है, पहले तो हम लोग ह्यूमिडिटी बोल रहे थे, अभी हम लोग प्रॉपर साइंटिफिक टर्म का इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो इसका वेरिएशन कैसे होता है समझेंगे,
तो हमने समझा कि टेम्परेचर की वजह से होता है। हमने बताया कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फाइ से नहीं आर एच से डिनोट करते हैं, तो वो आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये हमें मालूम है। अच्छा, इसका मतलब ऑल्टीट्यूड पे भी फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे ट्रोपोस्फियर में हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ऑब्वियसली, ये बात समझ में आई। इसके अलावा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखिए, लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ बीच में आपका होता है इक्वेटोरियल रीजन, इसके अलावा होता है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन से लेके पोल की तरह जो हम मूव करते हैं, ये आपका ट्रॉपिक्स है और हम लोग पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम लोग ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ मूव करते हैं तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो हमारा डिक्रीज करेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका, बार बार फाई लिखता हूँ, हमारे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई बोलते हैं ना, तो लिखने की आदत हो गई है, ऐसे लिखिए आर एच लिखते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, ये आपने हमने कहा हमने बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रॉपिक से हम लोग पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन इक्वेटर इसमें शामिल नहीं है, इक्वेटर में भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी हाई होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वेटर में हाई इसलिए नहीं है, टेम्परेचर का कारण नहीं होता, इसका वजह से क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ये काफी ज्यादा एवापोरेशन होता है, काफी ज्यादा एवापोरेशन होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा ट्रीज है, ट्रीज के कारण आपका ये इसका ट्रांसपोरेशन होगा। तो हमने देखा ना इवेपोट्रांसपोरेशन की बात करी, तो इवेपोट्रांसपोरेशन के कारण भी काफी ट्रीज हैं और काफी ज्यादा धूप पड़ती है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, पेड़ ज्यादा है तो उसके वजह से इवापोट्रांसपोरेशन भी होगा। कुल मिला के इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर फाइल लिख दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई और ट्रॉपिक से लेके पोल तक आपका इंक्रीज करता चला जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग वापस, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि वाटर कंटेंट, भाई जहां लैंड ज्यादा होगा और कहीं हो सकता है वाटर ज्यादा हो, जहां वाटर ज्यादा हो वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? भाई जहां वाटर ज्यादा होगा, ज्यादा एवापोरेशन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा हो जाएगी। सी से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी घटती चली जाएगी, सी के जैसे जैसे पास जाएंगे, वाटर सोर्स है ना, वाटर सोर्स से तो इवापोरेशन हो रहेगा, तो वाटर सोर्स के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। वाटर सोर्स के पास जाने पर हमने देखा बढ़ेगी। इसके अलावा वेजिटेशन, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वह हम देखेंगे कि इवापोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं समर्स और विंटर्स की। अगर हम बात करें समर की, या दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा, ये फिर फाइल लिखा हमने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। और आपका नाइट और विंटर की बात करें तो यहाँ भी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ भी नहीं, यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका हाई होगा, क्यों? आपका टेम्परेचर लो है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगा। तो आई होप ये जो प्रॉपर वेरिएशन हमारे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, ये हमको प्रॉपर समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन इसको समझते हैं। वर्टिकल वेरिएशन मतलब हमारा जमीन है, जमीन से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हाइट हमारा इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, हाइट इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये एयर का पॉकेट है, ये एयर का पॉकेट अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो इसको क्या महसूस होगा कि भाई टेम्परेचर लो हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो हम जानते हैं ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है, तो टेम्परेचर लो होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अगर ये एयर मास ऊपर जाता चला जाए, कैसे ऊपर जाएगा उसकी चिंता मत करिए आप, अगर इस एयर मास को हम लोग ऊपर लेके चले जाएं, धीरे धीरे ऊपर लेके चले जाएं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहीं जाके 100% भी हो जाएगी। जहां 100% हो जाएगी वहां देखेंगे हम लोग ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, आपके इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट के बाद आपका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन का कारण क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं, और भी वाटर वेपर्स मिलकर और बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे। जब ये वाटर ड्रॉपलेट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या बादल बन के नीचे आ जाएगा, तो आपका रेन होगा, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा आते हैं, क्या देखा हमने, हाइट इंक्रीज करने पर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब होता है तो एयर पूरा सैचुरेटेड हो जाता है, एयर सैचुरेट होता है तो क्लाउड्स बनता है, क्लाउड्स आपका छोटे से लेके बड़ा साइज में होता चला जाता है, और जब साइज का काफी ज्यादा बड़ा होता है तो रेनफॉल हो जाता है। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, हमें समझना है कि भैया क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रेनफॉल भी होता है और भी कई प्रकार के प्रेसिपिटेशन है, ये भी हम लोग आके देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अभी हम लोग के जस्ट सामने है वो ये है कि ये जो एयर मास है ये ऊपर उठा क्यों, जरूरत क्या पड़ी इसके ऊपर उठने की, ये हम लोग अगले स्लाइड्स में देखें।
इस स्लाइड में उस सवाल का हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं कि एयर का जो पार्सल है, एयर का पार्सल जमीन से ऊपर ऐसे उठता ही क्यों है, ऊपर जाएगा ही क्यों, ठीक है, इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें। तो कंसेप्ट समझेंगे हमें लैब्स रेट। लैब्स रेट क्या होता है? वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि अगर हम हमारे अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करें वर्टिकली, तो वर्टिकली मूव करने पर टेम्परेचर में क्या चेंज आता है? हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? आपके टेम्परेचर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा और सब भूल जाइए, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर का वर्टिकल मूवमेंट पर जो चेंज आता है उसे ही हम लोग कहते हैं टेम्परेचर वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। वर्टिकल मूवमेंट करने पर टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसे ही हम लोग कहेंगे वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट या लैप्स रेट। तो कितना चेंज आता है? तो नॉर्मल लैप्स रेट अगर आप मेजर करेंगे तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आप ऊपर चले जाइए तो आप देखेंगे आपकी गिरावट महसूस होगी आपको -6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका कम देखने को मिलेगा हर किलोमीटर जब ऊपर जाएगा। ये रेट ऑफ फॉल है, क्या ये फिक्स होता है? नहीं है, वेरी करता है, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम समझ सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो आई होप लैप्स रेट क्या होता है समझ में आया, ठीक है। अब नया टर्म बात करते हैं हम लोग, एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? हमें यहां समझ में आया कि जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा, समझ गया, ये तो हम पहले से जानते थे। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। देखिए ये आपका धरती है, धरती से आपका ऊपर गया गैस मास, अगेन क्यों ऊपर गया नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। अब टेम्परेचर में गिरावट आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है बाहर से हीट मिले, इसे बाहर से आपका हीट लूज करे, सॉरी मिलेगा क्यों, लूज करेगा तो टेम्परेचर गिरावट हो रही है। हम मान रहे हैं कि इस एयर में आपका हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। हीट का जब हम मान लेते हैं कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि क्यू, क्यू का मतलब होता है हीट, ठीक है। जो हीट का हम लोग कोई डेल्टा क्यू, कोई चेंज इन हीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस एयर मास में ना तो कोई हीट अंदर जा रही है ना यहां से कोई हीट बाहर निकल रही है, यानी कि डेल्टा क्यू, यानी कि हीट एक्सचेंज्ड बाय दिस पीस ऑफ गैस जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगेन कैसे मूव कर रहा है हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन मान लेते हैं ये ऊपर मूव करते समय जो इसका टेम्परेचर गिर रहा है उसमें हीट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो है। अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट हटाने के बाद फिर हम देखें कि धरती से ऊपर जाने पर टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट जब हम लोग कहते हैं कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होता, वापस देखते हैं तो हमने देखा कि आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, जब हम देखते हैं कोई हीट का ट्रांसफर हम ना करें, कोई एक्सटर्नल हीट ना सप्लाई हो ना लूज करें, तब जो लैप्स रेट होगा यानी कि जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उसे हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर आपका अगर कम हो तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप लोग, हाइट ऊपर चले गए ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं तो हम देखते हैं टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो हम लोग कहते हैं इसे नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है। यहां ये बातें हमको समझ में आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव लैप्स रेट के बारे में हम लोग यहां पे समझ गए, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और चीज देखिए भाई, इंटरनल चेंजेस की बात कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं आएगा, यानी कि गैस के अंदरूनी, गैस के अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिसके वजह से आपका टेम्परेचर या तो बढ़े या तो घटे, ठीक है। ये इंटरनल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट की, ठीक है। जब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, आई होप समझ गए होंगे, तो टेम्परेचर में चेंज क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ गैस लॉस। गैस के तीन लॉस होते हैं, अभी देखो इस ये हम लोग केवल मेंशन कर रहे हैं गैस के तीन लॉस। एक होता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसके बाद चार्ल्स लॉ, यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और गे लुसैक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये तीनों हम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, इसका अभी ज्यादा यूज नहीं है, बस नाम ध्यान रख सकते हैं आप, गैस लॉज ये होते हैं। अभी जो हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें ये इसको लगाना नहीं है, बस नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए, चार्ल्स लॉ पता होना चाहिए और गे लुसैक्स लॉ पता होना चाहिए। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, ये होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग यहां देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं धरती से, आप टेम्परेचर में गिरावट आती है। अगर हीट का कोई लेना देना ना हो तब भी गिरावट ही आएगी, ठीक है। पॉजिटिव एएलआर हो रहा है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं नेगेटिव एएलआर हो रहा है, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये नेगेटिव एएलआर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इन्वर्जन क्या होता है। अगर गलती से ऐसा हो जाए कि आप जब धरती से ऊपर की तरफ बढ़े और ऊपर के बढ़ने पर हमने देखा टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगे, तब हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन।
तब हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने पढ़े, एक पढ़ा ALR का कंसेप्ट, एक पढ़ा इन्वर्जन का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। ALR और इन्वर्जन का हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब देखिए दोनों ही हम लोग समझेंगे, ALR तो समझ गए, इन्वर्जन बाद में समझते हैं। अभी थोड़ा हमने कंसेप्ट देखा कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने पर, सॉरी हाइट के बढ़ने पर टेम्परेचर में आपको गिरावट ना नजर आए, आप देखें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इसका क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग? हाँ, इसका एग्जांपल आप जानते हैं। आप कहेंगे कि भाई ट्रोपोस्फीयर में सर ऐसा होता है कि टेम्परेचर गिरता है, और स्ट्रेटोस्फीयर में आने के बाद हम लोग देखते हैं अचानक से आपका इंक्रीज होने लगता है आपका टेम्परेचर। स्ट्रेटोस्फीयर में हम देखते हैं ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपका यूवी रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब करता है, ये सारी कहानी हम लोग ऑलरेडी सुन जानते हैं। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, नहीं जानते तो भैया पुराने लेक्चर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का, क्या कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना के रखा है हमने चैनल में। ठीक है, देख डालिएगा उसको। अच्छा, तो यूवी रेडिएशन जब ये एब्जॉर्ब करता है उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये स्ट्रेटोस्फीयर में हमें इन्वर्जन देखने को मिला कि नहीं? इन्वर्जन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि हाइट के बढ़ने पर टेम्परेचर में भी हम लोग इंक्रीज देखते हैं, तो इसे ही हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इन्वर्जन लेयर। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्जन लेयर। और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। आई होप इतनी पूरी बात हम लोग समझ चुके हैं, ALR क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग कहानी। देखिए, अब हमें दो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आए हैं हमको, एक है ALR क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट, और दूसरा है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन का कंसेप्ट अभी तक समझा नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। और क्या होता है हमें पता है, हाइट के बढ़ने पर जब टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगे तो हम लोग कहते हैं क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, लेटर वाला हिसाब किताब समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे चल के हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग ALR को समझते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एडियाबेटिक लैप्स रेट में हमें अब ये समझना है कि ये आपका जो गैस का जो गुब्बारा है, मास है, ये ऊपर की तरफ बढ़ा कैसे, तो इसकी जर्नी हम लोग चालू करते हैं। तो क्या हुआ, आपका धरती के पास एक छोटा सा आपका एयर का मास है, ये था, तो धरती से इसने रेडिएशन लिया, धरती से रेडिएशन लेके गर्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर नॉन एडियाबेटिक हो गया, आपने कहा है कि ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है, लेकिन एनर्जी तो ले रहा है, हीट तो आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है कि भाई एडियाबेटिक लैप्स रेट पूरी जर्नी में एडियाबेटिक होता है, लेकिन शुरुआत जो होती है, इसकी बिगिनिंग जो होती है, वो नॉन एडियाबेटिकली ही होती है। ठीक है, पहली बात ये समझ गए हम लोग। तो हुआ क्या, जब इसने थोड़ा सा हीट लिया, धरती का हीट जो रेडिएट करता है रात को, मतलब धरती क्या करती है, सुबह अपना लेती है एनर्जी सन से और रात को इसे रेडिएट करती है कि नहीं? तो रात में जब ये रेडिएट कर रही थी, अच्छा दिन में भी करती है, लेकिन दिन में रेडिएट भी करती है और लेती भी है, रात में केवल रेडिएट करती है, तो इसलिए रात वर्ड यूज किया मैंने। अच्छा, इसने जब ये एनर्जी ली तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है ना, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर जब लिया, इसने हीट लिया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि ये हल्का हो गया। ठीक है, ये हल्का हो गया, ये जब हल्का हो गया तो ऊपर की तरफ उठेगा, तो स्टार्टिंग में इस वजह से नॉन एडियाबेटिक रीजन की वजह से ये जो है हमारा जो एयर का मास है, ये एयर मास है, छोटा सा एयर मास, ये ऊपर की तरफ उठा। जब ऊपर की तरफ उठा तो एक और चीज हम लोगों को यहां पे पता होनी चाहिए कि जब हाइट इंक्रीज करता है हम जानते हैं ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, आपका ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या होती है, धरती से लगी हुई, जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं भाई डेंसिटी इसकी हल्की होती है, और हम जानते हैं एयर प्रेशर जो प्रेशर भी है लो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर भी आपका जैसे जैसे हम लोग वर्टिकली ऊपर जाते हैं प्रेशर आपका डिक्रीज होता रहता है, ठीक है, ये हम लोग समझ में आते हैं। तो अब क्या हुआ, जब अर्थ से ये एयर मास ऐसे ऊपर की तरफ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे प्रेशर उसको हल्का महसूस हुआ, नीचे देखिए नीचे उसको प्रेशर काफी फास्ट तेज महसूस हुआ था यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर काफी हाई था, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ गया आपका प्रेशर क्या हुआ, लो हो गया। अब प्रेशर के लो होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर के लो होने की वजह से अब ये और ज्यादा फैल जाएगा, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम जब इंक्रीज किया तो उसकी वजह से टेम्परेचर गिर गया। आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी आपने, वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर, हमने ये पढ़ा था ना क्या चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, तो यहां पे वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर टेम्परेचर घटता क्यों है, तो यहां पे ये समझिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसलिए बता दिया मैंने। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है,
यहाँ पे क्या कांस्टेंट प्रेशर है? नहीं, प्रेशर तो कम हो रहा है, तो गेल उसॉक लॉ मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो ये समझ लीजिए कि सेम हीट, जो हीट इस छोटे से एरिया में थी, अब ये बड़े एरिया में चली गई, ये और बड़े एरिया में चली गई। तो जब सेम हीट बड़े एरिया में चली जाती है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप होगा ना, सेम हीट इन मोर वॉल्यूम, तो टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरने की वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, घटेगी। डेंसिटी घटेगी तो ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से आपकी प्रेशर घटता जाता है, डेंसिटी भी घटती जाती है और टेम्परेचर भी घटता जाता है, इस पूरे प्रोसीजर में ऐसे ऊपर ऊपर आता रहता है। अब फाइनली अब कितना ऊपर जा सकता है, ये आपका ट्रोपोस्फियर तो उसका मैक्सिमम लेवल है, ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में तो पहुंच नहीं जाएगा, क्यों? स्ट्रेटोस्फियर में तो टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगेगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर तक तो जा नहीं सकता, ट्रोपोस्फियर इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो अब ये ट्रोपोस्फियर पहुंच गया, ट्रोपोस्फियर में काफी ज्यादा इसको ठंडा कर दिया गया, टेम्परेचर काफी लो हो गया, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि पॉजिटिव आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है। क्या कोई हीट बाहर निकाली इसने? नहीं, एडियाबेटिक है ना, ये एडियाबेटिक है, कोई हीट का आदान प्रदान ना नहीं करते हुए भी टेम्परेचर आपको डिक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो ये जो वाटर है, अब इस एयर के अंदर कुछ वाटर होगा ना, ये वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर जब घटता है तो कंडेंसेशन होता है कि नहीं, टेम्परेचर जब घटता है तो कंडेंसेशन होता है, यही तो पढ़ा था हमने, यही तो हमने पढ़ा था, जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता चला जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये 100% जब हो जाता है उसके बाद कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। तो यही हुआ, जब ये आपका ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया तो कंडेंस हो जाएगा, बाय बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नाउ 100%, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपका कंडेंसेशन शो होता है। इसके अलावा क्या होता है, कंडेंस होगा तो क्या लेटेंट हीट रिलीज नहीं करेगा, जब ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने की वजह से लेटेंट हीट रिलीज कर देता है, हमें पता है सॉलिड से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो अपना लेटेंट एनर्जी बाहर निकाल देता है, तो आपका लेटेंट एनर्जी ये ऐसे रिलीज कर देगा। लेटेंट एनर्जी रिलीज करने पर इस एरिया में जहां पे ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, अभी यहां पे क्लाउड फॉर्म हो गया ना भाई, ये आपका कंडेंसेशन हो गया, इसी कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और उसी की वजह से रेन, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, ये सारी चीज इसी वजह से होती है, क्योंकि इस हाइट पे आपका लेटेंट हीट आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोगों ने समझ लिया दो बातें, एक तो हमने एडियाबेटिक लैप्स रेट प्रॉपर हमने समझ लिया कि पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट होता क्या है, अब हम लोग नेगेटिव समझ लेते हैं। नेगेटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट, इसमें क्या हो रहा है, आपका नीचे आ रहा है, ये जो गैस पार्टिकल जो ऐसे चलते 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 ऊपर चला गया था, ऊपर जाके इस तरीके से बादल फॉर्म किया, उसके बाद ये एयर पॉकेट अब नीचे भी तो आएगा, अगर ये नीचे एयर पॉकेट आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं, देखिए सबसे ऊपर था तो हमेशा जानते हैं जब भी ये लैप्स रेट का जो बिगिनिंग होता है ये नॉन एडियाबेटिक होता है, तो इसने क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा है, ट्रोपोस्फियर के टॉप में पहुंचने के बाद इसने कुछ हीट रिलीज करी तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी तो नीचे आएगा, नीचे आ गया, अब ये और नीचे आ गया, ठीक है। अभी सेम जब ये नीचे आ गया तो उसने देखा कि ये तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अरे जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अचानक से ज्यादा प्रेशर लगने लगा तो ये सिकुड़ गया, वॉल्यूम इसका कम हो गया। इसका जब वॉल्यूम कम हो गया तो फ्रिक्शन वगैरह लगेगा इसमें, भाई पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी होता है, और ये वाला कंसेप्ट तो है ही, सेम हीट लेकिन वॉल्यूम कम कर दिया, सेम हीट है वॉल्यूम कम कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और भाई डेंसिटी भी आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये और नीचे आएगा। इस तरीके से ये नीचे आते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा जब ये ऐसे नीचे आ रहा है। आई होप नेगेटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट भी हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट, क्या होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। कहते हैं कि अगर इस एयर में, अब एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, एयर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, हम कह रहे हैं इस एयर में अगर मॉइस्चर कम होगा या मॉइस्चर नहीं होगा तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही तेजी से कम होगा, अराउंड 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, माइनस साइन लगा दीजिए, इतना टेम्परेचर हर एक किलोमीटर ऊपर जाने पर कम होगा। लेकिन अगर इसी एयर पार्टिकल में आपका मॉइस्चर है, आपका मॉइस्चर इसमें ऐड कर दिया कि जाएगा जाए तो क्या होगा,
अगर मॉइस्चर इसमें है और ये ऊपर जाता है, टेम्परेचर तो फिर भी कम होगा, लेकिन रेट ऑफ जो वर्टिकल ग्रेडियंट है, जो लैप्स रेट है, वो कम हो जाएगा। यानी कि इस केस में लेट अस से एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये डेटा ही है, अराउंड 5 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर कम होगा जब ये ऐसे ऊपर जाएगा। अब ये क्या रीजन है, ये क्यों होता है? तो इसका रीजन समझने के लिए आप ये समझिए, जब ये इसके पास कोई वाटर नहीं है तो ऊपर जाके क्या लेटेंट हीट रिलीज करेगा? नहीं रिलीज करेगा। लेटेंट हीट जब रिलीज नहीं करेगा तो भाई ठंडा ही रहेगा। लेकिन इस वाले केस में देखिए कि लेट अस से यहां पे बात करते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है ऊपर, यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस है नीचे, पहले वाले केस में यहां पे 5 डिग्री सेल्सियस है। 5 डिग्री सेल्सियस क्यों है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि कोई लेटेंट हीट रिलीज नहीं किया। लेकिन दूसरे वाले केस में यहां 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जब ऊपर जा रहा है टॉप में जाके क्या करेगा, लेटेंट हीट रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रेन, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें आ रही है। तो ये लेटेंट हीट रिलीज करने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या अब 5 डिग्री नहीं, लेट अस से मान लेते हैं 10 डिग्री के आसपास हो गया। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्या हो गया, कम हो गया ना, इसमें ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस था, तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पे 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात समझते हैं, लेटेंट हीट रिलीज करने की वजह से ये कहते हैं अनस्टेबल हो गया हमारा जो एटमोसफियर, अनस्टेबल हो गया क्यों, इसमें रेन, साइक्लोन, स्टॉर्म, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी एटमोसफियर में। तो जब मॉइस्ट एडियाबेटिक लैब स्टेट होता है, उसके कारण आपका एटमोसफियर जो है अनस्टेबल हो जाता है।